आज हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई एटमिक मास यूनिट पढ़ेंगे। एटमिक मास यूनिट क्या है, सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एटमिक मास यूनिट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी परमाणु का जो भार होता है या मात्रा होती है वो ग्राम और किलोग्राम में अगर मापेंगे तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं मिलने लगेंगी, पॉइंट्स में आने लगेंगे, जिसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए हम लोगों ने एक नई इकाई बनाई है जो कार्बन परमाणु जो है उसके 1/12 भाग की मात्रा के बराबर 1 AMU माना जाता है। जैसे कि हम ग्राम कहते हैं उसी तरह से AMU भी है कि वो क्या है, एक कार्बन परमाणु ले लें जो कि बहुत छोटा ही है, कार्बन परमाणु का भी 1/12 भाग, मतलब अगर हाइड्रोजन से तुलना करें तो हाइड्रोजन का 1 भाग, तो कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, इसके द्वारा परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। 1/12 भाग का वजन कितना होता है ग्राम में हम कहेंगे तो AMU को शॉर्ट में हम लोग 1U भी लिख सकते हैं, 1U एटमिक मास यूनिट को U लिखेंगे या म्यू भी कहते हैं, म्यू एक वर्ड होता है, देखेंगे आप म्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक म्यू लिखने का तरीका है। तो म्यू लिखे या A लिखे दोनों बराबर है, U लिखे म्यू या U, तो 1U इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, या इसको अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ग्राम से किलोग्राम कैसे बदला जा सकता है, ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻²⁷ kg हो जाएगा। अब ये जो मात्रा है हम लोगों ने आइंस्टाइन का सिद्धांत पढ़ा है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन के अनुसार अगर कोई मात्रा उच्च ऊर्जा वाली क्रिया में भाग लेती है तो या लाइट के स्पीड से अगर वो चलती है तो वो पूरी की पूरी मात्रा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो ऊर्जा में रूपांतरित होने का फॉर्मूला है E=mc², जो मात्रा होगा उसको प्रकाश के वेग से हम लोग गुना कर देंगे तो उसकी तुलनात्मक ऊर्जा हमें मिल जाएगी। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि अगर इस मात्रा को पूर्ण रूप से ऊर्जा में बदला जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम देखेंगे ये फॉर्मूला लगाने के बाद में मात्रा के जगह में 1.6 × 10⁻²⁷ लिया है हम लोगों ने, ऐसा सिस्टम में बनाते हैं इसलिए, और सी प्रकाश का वेग जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर करने के बाद हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो जूल में आंसर आएगा, किसमें आंसर आएगा जूल में। मगर हम लोग जब इस तरह का एटमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटमिक यूनिट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा हम जूल में ऊर्जा हम नहीं चाहते, हम इसे एक नया यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर ऊर्जा की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, वो कैसे मिलती है, जब हम जूल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जरा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इस जूल को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तब जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो ईवी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद में आप लोग बताएं कितना आंसर आएगा टोटल, कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो हम लिख देते हैं 931.5 MeV। एम का मतलब है यहाँ पर ये नंबर के साथ में 10⁶ भी आएगा। अब रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, रफ कैलकुलेशन में यहाँ ध्यान देती ये तो लगभग एक चीज है, ये कट गया, ये 3² 9 है तो सामने का 9 हमें मिल जा रहा है, ये 8² 2 मतलब 8² 16 हो गया, नीचे से -19 ऊपर जाएगा तो 16 और 19 मिलके हो जाएंगे 35, और 35 × 27 यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁹, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 × 10⁹ या 9 पॉइंट हम तो नहीं बना रहे, सिर्फ 9 के हिसाब से ही कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से भी करें तो ये ऐसा हमें 10⁶ चाहिए मेगा बनाने के लिए, तो यहाँ से 3 इसके पास दे देंगे तो हो जाएगा ये 8 होगा, 35 × 27 था तो यहाँ 8 होगा 8, तो ये 900 हो गया, ये 10⁶ हो गया, 10⁶ मेगा बन गया, 900 के तुलना है लगभग 931 है, तो इसे हम लोग 931.5 MeV या शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि 1 μ जो है वो लगभग 931 MeV के बराबर होता है, एनर्जी का इक्विवेलेंट कितना है इसका। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखेंगे कि 1 AMU को जब पूर्ण रूप से ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं तो हमें कितना ऊर्जा मिलता है 931 MeV, मेगा m4 मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई छोटा है वी बड़ा, इसे ध्यान देंगे।
मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट क्या है, इसको पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी नाभिक का द्रव्यमान, मतलब केंद्रक का द्रव्यमान, उसके अवयवी घटक, अवयवी घटक का मतलब है नाभिक जिन जिन चीजों से मिलकर बना है। नाभिक किन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इनके जो कुल द्रव्यमान होगा से कम होता है, से कम होता है कहने का मतलब है एक केंद्रक का मान भार जिस जिस चीज से मिलकर बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके भार से कम होगा। ये जो कमी होती है इसी कमी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर करके समझा रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मात्रा ना के बराबर उसे हम छोड़ के रखते हैं। तो जब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, अगर ये अलग अलग है तो इनकी जो कुल मात्रा है वो जब एक साथ हो जाए तो उनकी मात्रा जो है इनकी कुल मात्रा की तुलना में कम हो जाएगी। मतलब जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो मात्रा में थोड़ी कमी आ जाएगी। पहले मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक ग्राम करके लेते हैं, ये प्रोटॉन का एक ग्राम मान लेते हैं, न्यूट्रॉन का एक ग्राम मान लेते हैं समझने के लिए। तो ये 8 ग्राम कितना होना 16 ग्राम, तो इस केंद्रक का मात्रा कितना होना 16 ग्राम। मगर देखा जाता है कि वो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 15.5 ग्राम है, तो 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम कहां गया। तो आधा ग्राम जो कमी आई उसी कमी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। समझ में आया द्रव्यमान क्षति क्या है। द्रव्यमान क्षति असल में भार में कमी है। क्या कमी है, जो केंद्रक का जो भार होता है वो अपने पार्ट्स की तुलना में, मतलब जिस से मिलकर बना उसकी तुलना में कुछ कम हो जाता है। अगर हम इसको उल्टा सोचे, इस केंद्रक को, अच्छा एक एग्जांपल पहले देखें तो उसके बाद बताते हैं। ये देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम, डेल्टा मतलब छोटा चीज को डिनोट करने के लिए डेल्टा यूज करते, छोटा एम तो लिखा हो मगर ये डेल्टा मतलब चूंकि मास डिफेक्ट बहुत कम है इन दोनों की तुलना में, तो डेल्टा एम इक्वल टू जितने प्रोटॉन्स है यहाँ पर कितने है? जैसे ऑक्सीजन के लिए 8 प्रोटॉन्स थे और एक प्रोटॉन की मात्रा को हम एमपी लिख रहे हैं, एम मात्रा और पी फॉर प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन रहने पर 8 × mp। तो जेड प्रोटॉन जनरली हम लोग कोई भी एक, अगर हमारे पास केंद्रक है ऐसे लिखा जाता है ना केंद्रक, हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा किसी भी केंद्रक को हम लोग इस तरह से लिखते हैं परमाणु संख्या और मात्रा संख्या। तो परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या को जब हम एमपी यानी कि एक एक प्रोटॉन की मात्रा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल प्रोटॉन की जो मात्रा है ये टोटल जितने प्रोटॉन्स होंगे उनकी मात्रा है, प्लस ये कितना है ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या निकलता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। न्यूट्रॉन कहने का मतलब है ये जो ऊपर में है ये है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ने से मिलता है। ये ए जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ से मिलता है। तो न्यूट्रॉन की मात्रा जब निकालना हो तो ए माइनस प्रोटॉन की मात्रा, प्रोटॉन की मात्रा को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या लिखते हैं हम लोग तो ए माइनस जेड लिखते हैं। तो देखिए ये कुल प्रोटॉन की मात्रा, ये कुल इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की मात्रा जब ये अलग अलग है, ये मात्रा जो है जब दो इन सबको मिला देंगे एक केंद्रक बन जाएगा तो उसकी मात्रा से अधिक होगी, ये वाला मात्रा अधिक होगी और ये वाला मात्रा कम होगा। तो जो भी डिफरेंस होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये एम जो है ये केंद्रक के लिए है और ये प्रोटॉन के लिए है और ये न्यूट्रॉन के लिए। अब जब एक केंद्रक अगर हमारे पास में है, उस केंद्रक को हमें उसके अवयवी तत्वों में तोड़ना है, यहाँ पर जोड़ रहे थे तो मात्रा कम हो रहा था, अब वापस अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे उल्टा एक केंद्रक से उसको पार्ट्स में उसके तोड़ना चाहेंगे तो हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो परमाणु है, दो चीजें समझे, ये जो केंद्रक है इस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में केंद्रीय बल से जुड़े हुए हैं, तो इस केंद्रीय बल को अगर हमें तोड़ना है तो हमें बहुत ज्यादा बल देना पड़ेगा, इन्हें इन केंद्रकों में न्यूक्लियंस को दूर करना होगा, और दूर करने के साथ ही साथ हमें और क्या करना होगा, ये जो मास डिफेक्ट है मतलब जो हमें इसके बराबर ऊर्जा देनी होगी। तो इसके बराबर ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ा आइंस्टाइन के सिद्धांत क्या है, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम मतलब जो मात्रा में कमी आ रही है उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहने का मतलब है जो उस केंद्रक को बांधे रखा था, अगर उतना ऊर्जा हम दे देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि केंद्रक को टूट जाएगा और वो बाइंड करके नहीं रख सकेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी असल में किसी नाभिक को उसके अवयवी घटकों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे ही हम लोग बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी को फॉर्मूला के रूप में अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एम का फॉर्मूला लिख दे पूरा,
जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम, इस पूरे चीज को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी स्क्वायर क्या है? प्रकाश का वेग है। और इसके बाद फिर उसके बाद जब कैलकुलेशन कर लेंगे उससे फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाएंगे। तो यहां तक अभी समझिए कि बेंडिंग एनर्जी क्या है। बेंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट को ही ऊर्जा के रूप में जब रूपांतरित करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा बेंडिंग एनर्जी होता है। मतलब मास डिफेक्ट में हमें प्रकाश का वेग मल्टीप्लाई करने पर बेंडिंग एनर्जी मिल जाता है। इस बेंडिंग एनर्जी का एक और रूप हम लोग पढ़ते हैं, बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब एक एक न्यूक्लियन को अलग करने में कितना ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर हमारे पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, टोटल 16 है, तो अगर एक को अगर हम अलग करेंगे तो टोटल में से टोटल संख्या इसको भाग दे देंगे तो बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ई बाई ए। ए क्या है? मात्रा संख्या दोनों को मिलाकर। तो ये है बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बाइंडिंग एनर्जी इज ए मेजर ऑफ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। केंद्रक कितना स्थायी होगा ये उसके बाइंडिंग एनर्जी से पता चलता है। बाइंडिंग एनर्जी अधिक होने पर वो केंद्रक को अच्छी तरीके से बांधे रखता है। ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये मात्रा संख्या के बढ़ने से पर न्यूक्लियन जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब एक एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी जो है ये जितना अधिक मात्रा संख्या होगा ये बाइंडिंग एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। ये 30 से लेकर मतलब ए इक्वल टू मात्रा संख्या, जब हम कोई भी पदार्थ का 30 से 170 के बीच जिस तत्वों का मात्रा संख्या होगा उसका ये बाइंडिंग एनर्जी ये बढ़ते बढ़ते एक नियत फिक्स मान 8 MeV के लगभग में पहुंच जाता है। सबसे अधिक MeV जो हम लोग देखेंगे लगभग 8 के पास में होगा बाइंडिंग एनर्जी। बाकी जितने भी मतलब 30 से कम और 170 से अधिक जितने भी तत्व है उनका जो केंद्रक है वो स्थायी नहीं रहेगा, वो टूटने की संभावना उसमें अधिक होगी। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो सकता है तत्व, तो 30 से लेकर 170 तक जिसके मात्रा संख्या है, जैसे जैसे लोहा, लोहा का 56 होता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लोहा, कोबाल्ट निकेल, ये सब जो है ये बहुत स्थायी केंद्रक हैं। इनके CO छोटा होगा O। ये इस तरह के जितने तत्व है इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लगभग 8 MeV, 8 से लेकर 8.7 तक जाता है, उससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। बाकी 36 से कम हो जाए या 170 से अधिक हो जाए ये न्यूक्लियंस पर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस धीरे धीरे कम होने लगता है और वो उसका स्थायित्व तो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो एक नया फेनोमेना बनाता है जिससे हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं।